हेलो एवरीवन, आज के वीडियो सेशन में हम पाइथन वेरिएबल्स एंड जो उसके डेटा टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नाउ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ए वेरिएबल इज लाइक ए कंटेनर दैट स्टोर द वैल्यू दैट यू कैन एक्सेस और चेंज। तो वेरिएबल क्या हो गया? वेरिएबल एक तरह का क्या हो गया? कंटेनर है, ठीक है, जो क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो वेरिएबल एज द नेम सजेस्ट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड वेरी, वेरी वर्ड से है, विच मीन्स दैट द वेरिएबल मे वेरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो वेरी वर्ड है, वेरी वर्ड से है, इसमें क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है हम जब एग्जीक्यूशन करते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, वेरी मीन्स चेंज हो सकता है। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कीप्स चेंजिंग ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू है उसको हम क्या कर सकते हैं, जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन पाइथन एवरी एलिमेंट इज टर्म्ड एज ए ऑब्जेक्ट, हेंस ए वेरिएबल इज का ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ पाइथन। तो जो पाइथन होता है, पाइथन के अंदर क्या होता है, जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम एक तरह से क्या बोलते हैं, उसको जो टर्म बोलते हैं हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो वेरिएबल है वो भी क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। वेरिएबल प्रोवाइड ए वे टू एसोसिएटेड नेम विथ ऑब्जेक्ट। तो जो वेरिएबल है होता है वो क्या होता है कि जो उसका ऑब्जेक्ट है उसका नेम को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। नाउ ए वेरिएबल वी स्टोर द वैल्यू इन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, वेरिएबल इज नेम यूनिट ऑफ स्टोरेज, ठीक है। तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो कंप्यूटर की मेमोरी के को असाइन कर देते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल क्या हो गया, उस जो स्टोरेज हो गया उसका क्या हो गया, नेम हो गया, जो भी हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया उसको, ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर मेमोरी होल्ड कर रहा है किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। ए प्रोग्राम मैनिपुलेट लाइक इट्स वैल्यू, एवरी वेरिएबल ए टाइप एंड इट्स टाइप ऑफ डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ द बिहेवियर एंड एंड वेरिएबल्स। तो जो प्रोग्राम को हम क्या कह सकते हैं, उसके मैनिपुलेट कर सकते हैं उसके वेरिएबल्स को, और ये जब हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हैं तो इसका क्या कहते हैं, स्पेसिफिक फॉर्मेट, उसका जो बिहेवियर है वो हम क्या करते हैं, वेरिएबल के साथ स्पेसिफाई करते हैं। तो सी द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे पास किया एक्स इज इक्वल्स टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री पास कर दिया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिया, इसका एक ग्राफिकल वे में देखते हैं, एक्स को पास किया एक्स इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो एक्स क्या हो गया, एक्स ने क्या किया कि कुछ मेमोरी होल्ड की, किसके अंदर, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें कुछ स्पेस ने होल्ड कर दिया, ठीक है। एक्स ने मेमोरी होल्ड कर लिया, और ये क्या कर दिया, ये किसको है, इसके अंदर एक्स के साथ में क्या हो गया, ये जो आपने वैल्यू असाइन की थी कौन सा है, न्यूमेरिकल लिटरल है, तो ये जो थ्री असाइन किया था वो उसने क्या करा है, इसमें मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। मीन्स हमने क्या कर दिया, इसको असाइन कर दिया, तो वो क्या कर रहा है, कुछ मेमोरी इसके अंदर क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, मतलब उसको असाइन हो गई है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मतलब जो मेमोरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी, जैसे ही आप उसको क्या करोगे, असाइन करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पास किया टाइप्स, अगर हम मान लो प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पास किया एक्स इज इक्वल टू टेन, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 10 पास कर दिया, फिर ये क्या हो गया, असाइन हो गई। तो हम क्या कहते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या, जैसे ही पास करें एक्स इज इक्वल टू 10, और प्रॉम्प्ट पे जाके हम क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू को पटअप कर दे, तो उस वैल्यू को क्या कर देगा, ये डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। मैं आपको प्रॉम्प्ट पे भी बता देता हूँ जो पाइथन प्रॉम्प्ट पे किस तरह से यूज होता है। पाइथन प्रॉम्प्ट पे हम क्या कहते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे ये पास कर दिया एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पास कर दी 10, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक मेमोरीज ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको हम जब प्रिंट करेंगे, एक्स एक्स को जैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें पास करेंगे, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। आप चाहो तो इसकी वैल्यू को डायरेक्ट भी इसको प्रिंट के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पे पास कर दिया तो ये इसकी वैल्यू असाइन कर दिया 10, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि ये जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया इसका टाइप क्या होगा। तो हम पास कर देते हैं, यहाँ पे कमांड पास कर देते हैं टाइप, ठीक है, जैसे ही मैं पास कर देता हूँ एक्स, ठीक है, एक्स हमने पास किए थे, इसकी जो वैल्यू थी वो किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। तो हम चेक करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, इस जो इसका टाइप है वो किस टाइप का बता रहा है, इंट टाइप का बता रहा है, मीन दिस इज द इंटीजर।
अगर इसी की जगह मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ वाई, और इसमें पास कर दिया मैंने, सपोज जो वेरिएबल लिया वाई, इसमें पास कर देते हैं, मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी जैसे दीपक, ओके ये पास कर दिया, ठीक है। अब इस वाई को हम प्रिंट करते हैं, पास कर दिया तो ये प्रिंट कर दिया स्ट्रिंग। आप चाहे इसको प्रिंट के थ्रू भी, प्रिंट अप के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, जो प्रिंट फंक्शन है, जैसे फंक्शन यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है, ये आ गया, इसके साथ डिस्प्ले कर दिया। अब इसको हम चेक करते हैं किसका जो टाइप क्या होगा, टाइप भी चेक कर लेते हैं साथ साथ में, ठीक है। तो टाइप चेक कर लिया, ठीक है, वाई हमने पास किया था, ये पे स्ट्रिंग पास किया था, तो जैसे इंटर करोगे तो ये देखो एसटीआर बता रहे हैं, ये क्या स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, कोई फ्लोट वैल्यू पास कर देते हैं, जैसे मान लो कि हमने जेड लिया, जेड इज इक्वल टू पास कर दिया 1.245, ठीक है, ये पास कर दिया, ये किस टाइप की वैल्यू है, दिस इज द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, जेड हम लेते हैं, जेड पास कर दिया, प्रिंट कर दिया, तो इसका जो टाइप है वो चेक करेंगे, तो ये जो इसका टाइप है वो भी डिस्क्राइब कर देगा, ठीक है। तो ये किस टाइप का हो गया, फ्लोट टाइप का हो गया, मीन्स यहाँ पे जो हमने वैल्यू असाइन की थी, जो वैल्यू असाइन हुई थी ये किस टाइप की हो गई, एक्स जो पास किया था ये इंटीजर टाइप का हो गया, यहाँ पे जो पास किया था हमने जो वाई पास किया था वो स्ट्रिंग टाइप का हो गया, और जो जेड पास किया था वो किस टाइप का हो गया, फ्लोट टाइप का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो वैल्यू है, वैल्यू का जो है वेरिएबल्स को हम वैल्यू असाइन करते हैं और आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उसका जो टाइप क्या होगा, ठीक है, किस टाइप की इसने मेमोरी अलोकेट कर रखी है, ठीक है। अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर जैसे अभी हमने प्रोग्राम बनाया, इसको हम पर्टिकुलर किसी मॉड्यूल के अंदर बनाया, और उसको क्या करना है, उसको सेव कर दें, सेव किस फॉर्म में करें, उसका जो एक्सटेंशन है उसको हमको पास करना है .py, ठीक है, .py ये पाइथन का एक्सटेंशन है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको रन करेंगे, मॉड्यूल को रन करेंगे, या फिर हम या तो मॉड्यूल को रन करेंगे इसमें जाके, रन के अंदर जाके रन मॉड्यूल, या फिर हम क्या करेंगे, जो कीबोर्ड की जो फंक्शन की होती है उसमें F5 होता है, उसको प्रेस कर देंगे, उसको प्रेस करेंगे तो उसके थ्रू भी हम उसको रन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक मॉड्यूल बना लिया, ठीक है, इस मॉड्यूल के अंदर जो है डेटा पास कर दिया, ये जो डेटा है ना इसका नाम पास कर दिया, ठीक है, ये इसके अंदर जो कुछ प्रोग्राम का कोड लिखा हुआ है और उसको सेव किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, हमारा जो स्क्रिप्ट मोड है उसके अंदर हम जाके चेक करेंगे किस तरह से यूज होता है। तो मैं इसको बता रहा हूँ आपको, क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक फाइल ओपन कर लेते हैं, न्यू फाइल लिया, ठीक है, ये फाइल ओपन हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे मैंने पास कर दिया, यहाँ पे पास किया एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है, देन वाई इज इक्वल टू पास कर देते हैं 20, ठीक है, उसके बाद हम पास कर दिया जेड इज इक्वल टू पास कर दिया 10 प्लस 10, नहीं हम यहाँ पे एक्स प्लस वाई कर देते हैं, एक्स प्लस वाई, ठीक है, और उसका जो रिजल्ट है उसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट यहाँ पे हमको वैल्यू पास करनी है तो यहाँ पे पास कर दिया जेड, ठीक है, ये तो हमने पास कर दिया। अब इसको फाइल को क्या करना है, हमको सेव करना है, किस में गए, फाइल के ऑप्शन में, यहाँ पे गए सेव एज, ठीक है, तो वैसे ही बनाया। अब यहाँ पे नाम दे दिया मैंने इसको, कुछ कैलकुलेशंस करना था तो मैंने कैल कर दिया, और इसको मैं क्या करता हूँ डॉट, यहाँ पे एक्सटेंशन पास कर दिया .py, ठीक है, ये जो .py है, ठीक है, कैल .py, इसको हम .py से सेव कर रहे हैं, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, सेव हो गया। अब ये आप किस में जाना है, रन के अंदर जाना है, रन के अंदर गए तो यहाँ पे देखो रन मॉड्यूल है, रन मॉड्यूल पे क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट किस पे हो गया, डिस्प्ले हो गया, इसके पाइथन जो प्रॉम्प्ट है उस पर डिस्प्ले हो गया, या फिर हम इसको अगर रन करना है तो हम क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट जाके क्या करेंगे, F5 की को प्रेस करेंगे, जैसे मैं F5 को प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो ये F5 की जो है फंक्शंस की को प्रेस किया तो ये इसका क्या होगा, रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोग्राम है उसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ए वेरिएबल ऑब्लिक ऑब्जेक्ट हैज थ्री मेन कंपोनेंट, जो वेरिएबल होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको तीन कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला आइडेंटिटी ऑफ ए वेरिएबल ऑब्लिक ऑब्जेक्ट, सेकेंड है टाइप ऑफ वेरिएबल ऑब्लिक ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड है वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑब्लिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट, उसको क्लासिफाई कर दिया किसमें, आइडेंटिटी टाइप एंड वैल्यू, थ्री इसको तीन कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं, सबसे पहले आइडेंटिटी ऑफ ए वेरिएबल, इट रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट वेरिएबल इन इन दिस केस एड्रेस इन द मेमोरी विच डज नॉट चेंज वंस इट हैज बीन क्रिएटेड, ठीक
ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं कि जब आइडेंटिटी की बात करते हैं, आइडेंटिटी ऑफ वेरिएबल, तो जब हम यहाँ क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट या फिर किसी वेरिएबल को हम रिफर्स करते हैं, कुछ मेमोरी एड्रेस क्या करते हैं, असाइन करते हैं, ठीक है, मेमोरी एड्रेस असाइन कर देते हैं, तो ये क्या होती है, ये चेंज नहीं होती, एज इट इज रहती है, जो भी आप इसके अंदर वैल्यू पास करोगे वो फिक्स्ड हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम इसको हम चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेक्ड यूजिंग द मेथड आईडी, ठीक है। तो इसकी जो आइडेंटिटी, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक मेथड का यूज करते हैं, मेथड का नाम है आईडी, ठीक है। जैसे यहाँ पे पास किया आईडी, आईडी का सिंटेक्स है, इसमें पास कर देते हैं हम वेरिएबल या ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिया, एक्स इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे पास कर दिया आईडी, आईडी के अंदर इसकी वैल्यू पास कर दी, ठीक है। तो इसको हम जब प्रॉम्प्ट पे रन करते हैं, तो प्रॉम्प्ट के अंदर भी क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 10, देन आईडी पास करेंगे, तो ये क्या करेगा, उसका जो पर्टिकुलर जो एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन है, जहां पे आपने 10 को स्टोर किया है, किसको, इस 10 को स्टोर किया हुआ है, तो इसका क्या क्या बता देगा, ये एड्रेस बता देगा, इसकी जो स्पेसिफिक जो मेमोरी लोकेशन है वो शो कर देगा, ठीक है। तो मैं इसको पाइथन सेल के ऊपर भी बता, यहाँ पे मैंने पास किया एक्स इज इक्वल टू 20, ठीक है, 20 पास कर दिया। अब इसको वैल्यू को डिस्प्ले करके देखते हैं, हाँ एक्स की वैल्यू दिस इज 20। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी चेक करते हैं, आइडेंटिटी चेक करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है आईडी, और उसमें इसकी वैल्यू पास कर देता हूँ, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने पास कर दी दिस, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितना आ गई, ये इसका जो है ये मेमोरी एड्रेस हो गया, ठीक है, जो इसके अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका मेमोरी एड्रेस, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इसका मेमोरी एड्रेस है जो कि इसके अंदर हमने पास किया है, ठीक है, किसका, ये 20, जो 20 स्पेसिफाई किया था ना, मैंने आपको बोला था ये मैंने एक्स डिफाइन किया, दिस इज द एक्स, मेमोरी के अंदर डिफाइन कर दिया, दिस इज एक्स, ठीक है, एक्स हो गया, अब उसको असाइन कर दिया 20, ठीक है। तो इसका जो एड्रेस होगा, इसका जो एड्रेस क्या होगा, ये वैल्यूज होगी, ठीक है, ये जो पास किया ये वैल्यू हो गई, ठीक है। फिर कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं, फिर मैंने एक और वेरिएबल लिया, मान लो अभी मैंने पास कर दिया वाई इज इक्वल टू 30 पास कर दिया, ठीक है। अब इसके हम चेक करते हैं, वाई को प्रिंट करवा के देख लेते हैं आगे इसका रिजल्ट, देन उसके बाद अब चेक करते हैं आईडी इज इक्वल्स टू, आईडी पास कर देते हैं, किसमें, आईडी के अंदर पास कर दिया वाई को, ठीक है। तो ये इसका जो स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस है, देखो मेमोरी एड्रेस लगभग सेम चल रहा था, यहाँ से जो वैल्यू हमने पास की थी, ठीक है, ये चेंज हो गया, ये जो एड्रेस है यहाँ से चेंज है, ठीक है ना, तो ये स्पेसिफिक उसका एड्रेस है, तो मीन्स आपने यहाँ पे वाई डिफाइन किया, ठीक है, वाई के अंदर पास कर दिया आपने 30, ठीक है, तो इसका एड्रेस क्या हो गया, ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसकी आइडेंटिटी हो गई किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की, और उसकी वेरिएबल का भी हो सकता है या ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। नाउ टाइप ऑफ द वेरिएबल ऑब्लिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें ये क्या स्पेसिफाई करेगा, टाइप बताएगा, बाय द टाइप वी रिफर्स टू द डेटा टाइप्स ऑफ ए वेरिएबल इन पाइथन, ईच वैल्यू एंड ऑब्जेक्ट एंड हैज ए डेटा टाइप एसोसिएटेड विथ इट, ठीक है। तो जितने भी हम क्या करते हैं कि जो हम वेरिएबल स्पेसिफाई करते हैं उसका कुछ ना कुछ टाइप होते ही है, हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा था कि जो वेरिएबल्स स्पेसिफाई करते हैं या ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करते हैं उसका कुछ ना कुछ वो टाइप बताते हैं, ओके। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या वेरिएबल को हम जब भी यूज करेंगे तो उसका उसके साथ क्या होगा, उसका जो टाइप वो उससे एसोसिएटेड होगा, ठीक है, तो उसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। तो डेटा टाइप ऑफ ए वैल्यू रिफर्स टू द वैल्यू इट हैज एंड द अलाउड ऑपरेशन ऑन दिस वैल्यू, ए डेटा टाइप इन पाइथन कैन बी कैटेगराइज एज फॉलोज। तो ये जो डेटा टाइप्स है, ठीक है, इसको हम जो ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करते हैं, तो इसकी वैल्यू को क्या कहते हैं, इसको कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसका जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप को कुछ कैटेगराइज किया हुआ, कौन कौन से हो गए, तो नंबर्स हो गया, सिक्वेंस हो गया, मैपिंग हो गया, और नन हो गया, ठीक है। तो ये चार मेन डेटा टाइप हो गए, नंबर्स के अंदर गए, नंबर्स कौन सा हो गया, नंबर्स में हो गया इंटीजर हो गया, फिर उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, एंड देन कॉम्प्लेक्स हो गया, और एक और डेटा टाइप हो गया इसके साथ में बुलियन हो गया, ठीक है, जिसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है। फिर इसके बाद सिक्वेंस में गए, सिक्वेंस के अंदर हो गया स्ट्रिंग हो गई, देन लिस्ट हो गया, एंड टपल हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैपिंग है, मैपिंग के अंदर क्या हो गया, डिक्शनरी हो गई, और एक नन वैल्यू हो गया जिसमें कुछ असाइन नहीं करते, तो वो भी स्पेसिफाई कर दिया। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं नंबर्स, ठीक है, नंबर्स का नाम से ही स्पेसिफाई हो रहा है, नंबर डेटा टाइप स्टोर द न्यूमेरिक वैल्यू, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ द पाइथन इज दैट यू डोंट रियली हैव टू डिक्लेयर द न्यूमेरिक वैल्यू टू डिफाइन इट्स वैल्यू इट्स टाइप। तो जब हम जिसकी बात करते हैं ना नंबर्स डेटा टाइप,
तो हमने हमको करना क्या है कि जब हम कोई वेरिएबल डिफाइन करें ना, ए इज इक्वल टू मैंने पास कर दिया 10, ठीक है, तो ये वैल्यू जो आप डिफाइन कर रहे हो उससे आपको पता चलेगा कि इस वेरिएबल का टाइप क्या होगा, ठीक है। अगर हम सी प्लस प्लस और जावा की बात करते हैं तो वहाँ पास करते हैं, सबसे पहले पास करते हैं इंटीजर, ये हमने स्पेसिफाई किया। ये अगर सी प्लस प्लस और जावा की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने पहले पहले डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे पास किया आई एन टी ए, मीन्स दिस द इंटीजर टाइप। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है, पाइथन के अंदर क्या है कि आपने वेरिएबल्स को लिया, इज इक्वल्स टू पास किया उसकी वैल्यू, तो जहां पे आप जो उसकी वैल्यू डिफाइन करोगे, जिस भी टाइप की इसकी वैल्यूज होगी वो क्या हो जाएगा, उसका उसका टाइप हो जाएगा, किसका, वेरिएबल का टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जो नंबर्स के अंदर आता है, सबसे पहले होता है इंटीजर वैल्यू, जहां पे इंटीजर वैल्यू हम असाइन कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने असाइन किया ए इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटीजर वैल्यू हो गई। ये क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। और अनलिमिटेड साइज होता है, इसकी जो साइज होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पास कर दिया एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स पास कर दिया, फिर वाई इज इक्वल टू पास किया -255, ठीक है, ये पास कर दिया। फिर इस तरह से हम कुछ भी उसकी वैल्यू, अनलिमिटेड वैल्यू उसको असाइन कर सकते हैं। लेकिन जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। इसके अंदर हम अनलिमिटेड क्या जो है मेमोरी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से यूज होता है। यहाँ असाइन कर देता हूँ मैं, एक वैल्यू ले लिया ए, इसकी वैल्यू पास के 1 2 3, ठीक है। अब इसको टाइप को प्रिंट करते हैं, दिस इज ए मीन्स 1 2 3, ठीक है। फिर मैंने पास किया बी, बी इज इक्वल टू मैंने पास किया -255 6, ये हो गया 2567, ठीक है। इसको प्रिंट करते हैं, बी को प्रिंट करके ये आगे। अब मैं क्या करता हूँ, कोई सी वेरिएबल ले लिया, अब इसमें पास करता हूँ मैं वैल्यू, ठीक है। इसको देखो वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ दिस 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 दिस, ठीक है। अनलिमिटेड मेमोरी की बात कर रहे हैं कि अनलिमिटेड वैल्यूज जो इसको असाइन कर सकते हैं हम, ठीक है, ये पास कर दिया, ठीक है। ये इसका स्ट्रॉन्ग फीचर है, पास कर दिया सी। नाउ सी हियर, इसका आउटपुट देखो, जितने मैंने वैल्यूज पास की, अनलिमिटेड जो इसमें वैल्यू पास कर दी उसको भी इसने प्रिंट कर दिया। मीन्स का जो है, ये जो भी वेरिएबल्स को हम असाइन करते हैं ना, जो भी वेरिएबल्स को असाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने असाइन कर दिया, इधर भी असाइन किया, ठीक है, यहाँ पे भी इंटीजर वैल्यू असाइन की, यहाँ पे भी इंटीजर वैल्यू असाइन की, ठीक है, यहाँ पे भी इंटीजर वैल्यू असाइन की, ठीक है। लेकिन इसने इस पूरे के पूरे को डिस्प्ले कर दिया, मीन्स जो आप वेरिएबल्स की जो वैल्यू असाइन करते हैं वो अनलिमिटेड होती है। ये फीचर ओनली पाइथन के अंदर है और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये फीचर नहीं है। नाउ बूल और बुलियन, बुलियन डेटा टाइप इज ए सब टाइप ऑफ इंटीजर, इंटीजर का ही सब टाइप होता है। इट रिप्रेजेंट वन ऑफ टू पॉसिबल, जो इसकी जो वैल्यूज होती है, या तो ट्रू वैल्यूज होगी या फिर फॉल्स वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे हम इसको पास कर देते हैं कोई कंडीशन के साथ में पास कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने कंडीशन पास की, ठीक है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, अगर मान लो कंडीशन यहाँ पे पास किया बूल वन इज इक्वल टू हमने पास किया 6 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो उस केस में क्या होगा, रिजल्ट फॉल्स आ गया। हमने पास किया 10 इज लेस देन इज इक्वल टू 20, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसमें कंडीशन को चेक करता है, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू या तो क्या होगी, या तो वैल्यू इसकी होगी ट्रू, या फिर क्या हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी फॉल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर जो पास कर, दिस द फ्लोटिंग पॉइंट, मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हम असाइन करते हैं, जो भी फ्लोट की वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे असाइन कर दिया फ्लोटिंग पॉइंट या फ्रैक्शनल वैल्यू, यहाँ पे पास किया एज इक्वल टू 3.14, ठीक है, देन इसके बाद बी इज इक्वल टू दिस दिस द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। फिर यहाँ पे जो वैल्यू पास किया सी, नेगेटिव वैल्यू पास कर दिया फ्लोटिंग पॉइंट के साथ में, तो उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। जीरो भी हम असाइन कर सकते हैं, अगर 0.0 किया तो वो 0.0 ही देगा, ठीक है। फिर उसके साथ और भी कोई हमने फाइनाइट वैल्यू पास किए तो उसको डिस्प्ले कर देगा फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। सबसे पहले एक बुलियन का एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे पास किया ए इज इक्वल टू, कंडीशन पास कर देते हैं एक ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे पास किया मैंने 10 इज लेस देन 6 कर देते हैं, ठीक है, ये पास कर दी कंडीशन, ठीक। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, कंडीशन इज फॉल्स, बिकॉज ये जो 10 है, 10 क्या होता है, 6 से ग्रेटर देन होता है, इसलिए इसने क्या कर दिया, यहाँ पे हम लेस देन बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गई। अब इसी को मैं अपोजिट कर देता हूँ, इसी वाले को ले लेता हूँ, ठीक। अब मैं इसको सिंबल को चेंज कर देता हूँ, अब यहाँ पे कर देता हूँ 10 इज ग्रेटर देन 6, ठीक है, तो उस केस में देखते हैं, ए को प्रिंट करेंगे, दिस इज ट्रू, ठीक है। तो ये हो गया बिलियन वैल्यूज हो गई। अब हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पास करते हैं, एक और वेरिएबल ले लिया ए, इसमें पास किया फ्लोटिंग पॉइंट 1 2 पॉइंट 3, है ना, 1 2 3 पॉइंट 4 5 पास कर देते हैं, ठीक है, इसको प्रिंट करेंगे, दिस इज द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ठीक है। फिर कोई बी वेरिएबल ले लेते हैं, बी के अंदर वैल्यू पास करते हैं, दिस 4 5 6.90, ठीक है,
नेगेटिव में भी इसको प्रिंट कर देगा दिस। ठीक है, अब इसको हम कोई सी वेरिएबल ले लेते हैं, इसको हम पास कर देते हैं 0 पॉइंट, पॉइंट के बाद की वैल्यू मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें पास कर देते हैं, देखते हैं इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, पास कर दिया मैंने पॉइंट की वैल्यू। ठीक है, इसको डिस्प्ले कर देते हैं, तो ये डेसिमल के कुछ वैल्यूज तक उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, आई थिंक कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 मतलब डेसिमल के 16 प्लेस तक ले लेता है। नाउ सी कॉम्प्लेक्स नंबर, द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पाइथन इज मेड अप द पेयर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पता ही होता है कि एक पार्ट क्या होता है इसका, एक रियल नंबर होता है, दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी होता है। जैसे इसको हम लेते हैं एक्स प्लस वाई जे, तो एक्स क्या हो जाएगा इसमें, इसका रियल पार्ट हो जाएगा, वाई जे क्या हो जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे डिफाइन किया है, एक्स इज ए फ्लोट एंड जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने पास कर दिया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और उसमें वाई जे जो पास किया है उसको भी फ्लोट होगा, लेकिन वो क्या होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट होगा, इसको लोअर केस में इंडिकेट करेंगे इमेजिनरी। ठीक है, ये इसकी जो वैल्यू स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो -1 देगा। तो इसको चेक कर लेते हैं, सी है सीधे एग्जाम्पल, एक्स ये पास किया है इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई जे। ठीक है, ये वैल्यू पास कर दिया, अब इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट एक्स डॉट रियल एंड एक्स डॉट img। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाएगी, एक्स के यहाँ पे जो प्रिंट किया आपने एक्स डॉट रियल, तो रियल पार्ट क्या हो गया 2 है, तो ये करेगा 2.0, और इमेजिनरी पार्ट क्या 5j, तो इसको प्रिंट करेगा 5.0। वैसे हम किसके लिए पास करते हैं, वाई इज इक्वल टू 4 -2j। ठीक है, तो इसके जो पार्ट है रियल पार्ट कौन सा हो गया 4, ठीक है 4.0, उसके बाद माइनस इमेजिनरी क्या है 2 2j, तो ये हो जाएगा -2.0। ठीक है, तो इस तरह से हम पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे पास किया एक्स प्लस यानी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो ये इसकी क्या करेगा, इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट कर दिया, तो इसको हम प्रॉम्प्ट पे भी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। नाउ सीक्वेंस, ए सीक्वेंस इज ए ग्रुप ऑफ आइटम विथ ए वेल डिफाइंड ऑर्डरिंग वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स बाय एन इंटीजर। तो सीक्वेंस क्या है, एक ग्रुप ऑफ आइटम है, आइटम जितने भी हम उसके अंदर आइटम पास करें उसको हम क्या करते हैं, एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में उसको पास करते हैं, और इसको जो इसके जो जो हमने इसके जो एलिमेंट जो आइटम्स पास किए हैं उसका क्या होता है कि इंडेक्स होती है, जो है हम इंडेक्सिंग करते हैं, तो वो क्या होती है, इंटीजर के फॉर्म में होती है। मतलब जो भी हम एलिमेंट उसके अंदर पास करें या जो भी आइटम पास करें उसका क्या होगा, इंडिविजुअल क्या होगी, इंडेक्सिंग होगी, और वो किस फॉर्म में होगी, इंटीजर के फॉर्म में होगी। द थ्री सीक्वेंस डेटा टाइप अवेलेबल इन पाइथन आर स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। तो जो सीक्वेंस डेटा टाइप की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा कि पाइथन के अंदर तीन टाइप के जो है, थ्री टाइप्स के इसके अंदर जो है डेटा टाइप्स है, एक तो हो गया स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारा str मीन्स स्ट्रिंग। ए स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स इनक्लोज विद इन द कोटेशन मार्क, सिंगल और डबल और ट्रिपल। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग है उसको हम कैसे पास करते हैं, किसमें हम ये क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को पास करते हैं, जो कि क्या होता है, लेटर्स, नंबर्स और जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं उसका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और इनको हम क्या क्या करते हैं कि जो कोटेशन मार्क होता है, कोटेशन मार्क जैसे हमने पास किया सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर पास किया, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर पास किया, या ट्रिपल कोटेशन मार्क्स के अंदर हम क्या करते हैं, पास करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। दिस कोटेशन आर नॉट द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो ये जो कोटेशन हम पार्ट कर रहे हैं वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन हम जो स्ट्रिंग जो उसकी वैल्यू पास करते हैं वो किसके बीच में पास करते हैं, कोटेशन मार्क्स के बीच में पास करते हैं। दीज आर ओनली डिफाइन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि जो जो हम जब इसको डिफाइन करते हैं तो उसके हम स्टार्टिंग और एंडिंग को, स्ट्रिंग के एंडिंग को डिफाइन करते हैं। ए स्ट्रिंग मे हैव एनी कैरेक्टर्स लाइक साइन और इवन स्पेस बिटवीन देम। तो जो हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं इसमें क्या कहते हैं कि कोई भी हम क्या कहते हैं कि जो भी कैरेक्टर्स है, साइन और जो स्पेस है, हम उसके बीच में क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक str एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया है। ठीक है, इसमें पास कर दिया इज इक्वल्स टू, दिस इज द हेलो हेलो पाइथन। ठीक है, इसको डबल कोट के बीच में पास किया है, फिर इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो ये हो जाएगा प्रिंट str को प्रिंट करेंगे तो ये हेलो पाइथन को प्रिंट कर देगा।
इसको हम पाइथन प्रॉम्प्ट पे भी ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पास किया str1, इसमें पास कर दिया है डबल कोट के बीच में हेलो पाइथन, ठीक है, बीच में स्पेस है, देन str को प्रिंट कर दिया, तो उसने सिंगल इसको इसकी जो वैल्यू उसको प्रिंट कर दिया सिंगल कोट के अंदर। फिर हमने पास किया str2, इसमें नंबर्स को पास कर दिया, इसको डबल कोट में पास किया, इसको हम जब प्रिंट करेंगे तो ये सिंगल कोट में प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने पास किया str3, इसमें हमने नंबर्स और जो कैरेक्टर है उसका कॉम्बिनेशन पास किया है, तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। पाइथन प्रॉम्प्ट पे देखते हैं इसको, हमने यहाँ पे ले लिया s1, s1 एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसके अंदर हम कुछ वैल्यू पास कर देते हैं, मीन्स कोई भी कैरेक्टर पास कर दिया, जैसे ABCD, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग पास कर दी। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, s1 को प्रिंट कर दिया तो ये प्रिंट हो गया। फिर इसमें एक और वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें पास करते हैं हम, ये पास किया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इसमें बीच में मैंने ब्लैंक स्पेस पास किया हुआ है, तो प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो गया। साथ में नंबर्स पास करके देखते हैं, नंबर्स जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, तो प्रिंट करेंगे तो ये भी स्ट्रिंग की जो वैल्यूज है वो प्रिंट हो गई है। स्केप सीक्वेंस, पाइथन अलाउज अस टू रिप्रेजेंट ए स्ट्रिंग कंस्टिट्यूटिंग नॉन ग्राफिक्स कैरेक्टर्स एज वेल, ठीक है, तो पाइथन के अंदर भी हम कुछ स्ट्रिंग को कंस्टिट्यूट कर सकते हैं, इसमें जो नॉन ग्राफिक जो कैरेक्टर्स है उसको हम इसके अंदर पास कर सकते हैं। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर विच कैन नॉट बी डायरेक्टली टाइप्ड फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है, तो नॉन ग्राफिक्स कैरेक्टर्स कौन से कैरेक्टर्स हो गए कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, जो जिसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको जो कीबोर्ड के थ्रू हम इसको टाइप नहीं कर सकते, जैसे कि इसमें लिया बैक स्पेस पास किया, टैब स्पेस पास किया, या कैरी रिटर्न पास किया, तो दिज आर द ये कौन से हो गए हमारे नॉन ग्राफिक्स कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है, तो दिस नॉन ग्राफिक्स कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द स्केप सिक्वेंस, तो ये जो नॉन ग्राफिक्स कैरेक्टर्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्केप सीक्वेंस। तो इसकी जो है एस्केप सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय बैक स्लेस, इसको बैक स्लेस से हम रिप्रेजेंट करेंगे फॉलोड बाय वन एंड मोर कैरेक्टर्स, ठीक है, तो हम ये जो बैक स्लेस पास किया उसके साथ में क्या करेंगे, हम वन या उससे मोर कैरेक्टर्स के साथ में पास करेंगे। तो इसके लिए जो इसको रिप्रेजेंट किया है, तो इसकी एक टेबल देखते हैं कौन कौन से इसमें हम जो कैरेक्टर्स है उसको यूज करते हैं, तो एक इसकी एक टेबल है स्केप सीक्वेंस इन पाइथन, तो जैसे यहाँ पे पास किया है डबल बैक स्लेस पास किया है, तो इसको इसको हम बैक स्लेस बोलेंगे। फिर इसके साथ में पास किया जो बैक स्लेस, देन उसके बाद सिंगल कोट पास किया, ठीक है, देन उसके बाद बैक स्लेस, फिर डबल कोट पास कर दिया है, फिर बैक स्लेस, फिर ए पास किया, तो ये आस्की बेल होगा, देन उसके बाद बैक स्लेस, देन बी पास किया, तो ये हो गया बैक स्पेस होगा, देन इसके बाद बैक स्पेस के साथ में हमने पास किया एफ, तो ये होगा आस्की फॉर्मेटेड हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने बैक स्पेस देन एन पास किया, तो ये हो जाएगा आस्की लीन फीड हो जाएगा। देन उसके बाद स्केप के जो बैक स्लेस उसके साथ आर पास किया, तो ये क्या हो जाएगा कैरेज रिटर्न हो जाएगा। देन बैक स्लेस के साथ में टी पास किया, तो ये हो जाएगा हॉरिजेंटल टेब, और इसके बाद बैक स्लेस फिर वी पास किया, तो ये हो गया वर्टिकल टेब। तो इसका यूज कैसे करते हैं ये हम बाद में देखेंगे, आगे वाले जो आने वाले वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा। नाउ नेक्स्ट है इसमें लिस्ट। लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय द कोमास एंड द आइटम्स आर इंक्लोज इन द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, जो लिस्ट क्या है, लिस्ट ऑफ आइटम जो हम उसको क्या करते हैं सेपरेट करते हैं किसके थ्रू, कोमा के थ्रू उसको सेपरेट करते हैं, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं डिस्प्ले करते हैं, मतलब उसके अंदर पुटअप कर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे जैसे मान लो सपोज एक लिस्ट क्रिएट करना है, तो हमने यहाँ पे लिया लिस्ट वन एक वेरिएबल ले लिया, इसको हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास करेंगे, इसमें पास कर दिया, जैसे इसमें वैल्यू पास किया 10, देन कोमा, कोमा से सेपरेट किया 2.5, देन कोमा, फिर इसके बाद कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दिए न्यू दिल्ली, ठीक है, फिर उसके बाद कोमा किया, देन फिर अगेन स्ट्रिंग वैल्यू पास किए, फिर उसको सेपरेट किया किससे कोमा से, देन उसके बाद 66 पास किया, ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं लिस्ट को कंसिस्ट करते हैं। फिर उसको हम लिस्ट को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट लिस्ट वन जो भी इसका नेम पास किया था, तो ये लिस्ट के जो आइटम है वो डिस्प्ले हो गया। इसको हम पाइथन प्रॉम्प्ट पे एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट पास किया मैंने l1,
ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट पास कर दिया, ठीक है, इसको एंटर कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो लिस्ट होगी वो क्या होगी, एम्प्टी होगी। तो ये एम्प्टी लिस्ट को डिस्प्ले करेगा। अब इस L1 जो हमने लिस्ट लिया था, इसमें मैं एलिमेंट पास कर देता हूँ, ठीक है, एलिमेंट पास कर दिए 1, 2, 3, 4, देन कोई स्ट्रिंग भी पास कर देते हैं इसमें, पास किया ABC, देन कोई कैरेक्टर्स भी हम इसके साथ में पास कर सकते हैं, ठीक है, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी पास करके देख लेते हैं, देन इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसको प्रिंट करके देखेंगे तो ये जो लिस्ट के एलिमेंट है उसको डिस्प्ले कर देगा। तो जो लिस्ट होती है उसको डिस्प्ले कहते हैं हम, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिस्प्ले करेंगे। नाउ टपल, टपल इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आइटम्स आर इनक्लोज इन पैराथिसिस। जो टपल है, टपल को क्या कहते हैं हम, सीक्वेंस है जो कॉम, इसको भी हम इसको जो है एक सीक्वेंस के साथ हम क्या कहते हैं, कोमा के साथ में इसको जो उसका एलिमेंट है उसको डिस्प्ले कहते हैं। लेकिन इसमें जो पैराथिसिस होता है वो क्या होता है, सर्कुलर ब्रैकेट होता है। लिस्ट के अंदर हम किससे डिस्प्ले कर रहे थे, उसमें हम यूज़ कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट। तो जब हम टपल के अंदर जाएंगे तो टपल को लिए सर्कुलर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये जैसे कि हम लिस्ट की बात करें, तो जो जो लिस्ट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया, ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, सर्कुलर ब्रैकेट हो जाता है। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है कि जो टपल की वैल्यू होती है, तो लिस्ट के जो एलिमेंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो टपल की एलिमेंट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये मेन डिफरेंस है टपल और लिस्ट के बीच में। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं, एक लिस्ट का जैसे एक टपल क्रिएट करना, यहाँ पे हमने टपल वन लिया, इसके अंदर हमने उसको सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर पास कर दिया, एलिमेंट पास कर दिया 100, 60, देन कॉमा, फिर एक स्ट्रिंग पास कर दिया स्मार्टफोन, फिर कॉमा, देन 8.7, देन कॉमा, देन एक सिंगल स्ट्रिंग पास कर दिया, सिंगल कैरेक्टर पास कर दिया। इसको प्रिंट करेंगे तो वैसे के वैसे एलिमेंट वो पास कर देगा, ठीक है, जैसे हमने लिस्ट में किया था। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि उसमें स्क्वायर ब्रैकेट आया था और इसमें क्या हो जाएगा, सर्कुलर ब्रैकेट आ जाएगा। तो इसको भी हम पाइथन प्रॉम्प्ट पे देखते हैं। ओके, एक हम यहाँ पे ले लेते हैं L2, एक वेरिएबल लिया है, इसमें हमने अभी पास कर दिया है एक एम्प्टी टपल पास कर दिया है, इसको प्रिंट करके देखते हैं। ओके, तो ये टपल L2 इसको प्रिंट कर दिया, दिस इज द एम्प्टी टपल। अब इसके बाद हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज पुटअप करते हैं L2 के अंदर, तो इसको मैंने पास कर दिया, सिमिलर वैसे ही वैल्यू पास करेंगे जैसे हमने लिस्ट में पास किया था, बस उसका जो ब्रैकेट था वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पास कर दिया, उसको सर्कुलर ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं तो ये टपल के एलिमेंट डिस्प्ले हो गए, ठीक है। बस इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ब्रैकेट का है, ठीक है, ब्रैकेट इसमें स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उसमें सर्कुलर ब्रैकेट होता है। लेकिन एक और डिफरेंस है, जो लिस्ट की वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है और टपल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। मैपिंग, ए मैपिंग ऑब्जेक्ट मैप इमुटेबल वैल्यूज और वैल्यूज टू आर्बिट्री ऑब्जेक्ट। दिस डेटा टाइप इज अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल एंड डिक्शनरी इन पाइथन फॉल अंडर द मैपिंग। तो जो मैपिंग ऑब्जेक्ट होते हैं ये क्या कहते हैं, जो इसको हम मैपिंग कहते हैं, किसके साथ मैपिंग होगा, इम्यूटेबल वैल्यूज के साथ हम क्या कहते हैं इसको, जो है इसके ऑब्जेक्ट के साथ हम मैप करेंगे। इम्यूटेबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो ये जो डेटा टाइप हम यूज करते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है कि इस डेटा टाइप में क्या होता है, ये अनऑर्डर होता है इसमें, और साथ में क्या होता है जो इसके जो डेटा टाइप के अंदर म्यूटेबल म्यूटेबल जो है वो हम इसके अंदर वैल्यूज पास करेंगे। तो जो डिक्शनरी होती है, तो डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं, ठीक है, जो पाइथन की डिक्शनरी होती है, ठीक है। तो ए डिक्शनरी रिप्रेजेंट डेटा इन की वैल्यू वे पेयर एंड एक्सेस बाय द की विच आर इम्यूटेबल एंड डिक्शनरी इज क्लोज्ड इन करली ब्रैकेट, ठीक है। तो जो डिक्शनरी होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम की और वैल्यू के पेयर में, हम इसको क्या कहते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें जो की होगी, जैसे की क्या होगी, हमेशा इमुटेबल होगी, मीन्स की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और जबकि जो उसकी जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, म्यूटेबल होगी। तो वैल्यू जो होगी वो हमेशा के लिए चेंज, मतलब हमेशा आप उसको चेंज कर सकते हैं। और जो डिक्शनरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इसको कर्ली ब्रेकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी एलिमेंट हम पास करेंगे वो कर्ली ब्रेकेट के अंदर पास करेंगे। तो अब इसको देखते हैं डिक्शनरी को।
डिक्शनरी इन अ पाइथन होल्ड्स डेटा आइटम्स इन की वैल्यू पेयर्स, एन आइटम इन अ डिक्शनरी इज एनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो जो डिक्शनरी होती है वो क्या करते हैं, जो पाइथन के अंदर हम जो डेटा वैल्यूज को पास करते हैं, की और वैल्यू के पेयर में उसको आइटम को पास करते हैं, और जो आइटम हम जो इसके अंदर पास कर रहे हैं उसको किसके साथ में पास कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट के साथ पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन होगा की और वैल्यूज का। तो जो की वैल्यूज होगी वो क्या होगी, इमुटेबल होगी, मीन्स उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा, म्यूटेबल होगा, मीन्स उसको आप चेंज कर सकते हैं। डिक्शनरीज परमिट्स द फास्टर एक्सेस टू डेटा, एवरी की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू यूजिंग ए कॉलन। ठीक है, तो जो हम डिक्शनरी के अंदर जो हम वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं की के साथ में, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम के साथ, क्या कर सकते हैं, के साथ हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको किस तरह से यूज करते हैं। तो एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमने डिक्स्ट एक वेरिएबल्स ले लिया, इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में हमने पास किया है, इसमें हमने पास किया नेम, ठीक है, सिंगल कोट में पास किया है, तो ये क्या हो गया, ये दिस इज द की, फिर उसको कॉलम लिया है, देन उसके बाद हमने पास किया है ऋतु, दिस इज द वैल्यू, ये की हो गई और ये वैल्यू हो गई, देन उसके बाद कॉमा लगा दिया। ठीक है, फिर अगेन हमने लिया, यहाँ पे पास किया है एज, एज क्या हो गया, यहाँ पे की हो गया सिंगल कोट में, और वैल्यू पास कर दिया इसमें 17, तो दिस इज द वैल्यू, फिर इसको सेपरेट कर दिया है कॉलन किससे, कॉमा से। फिर हमने लिया है क्लास, क्लास को हमने सेपरेट किया है, ये क्या हो गया, की हो गई, देन उसके बाद उसकी वैल्यूज कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है, तो इन दोनों को हमने कॉलन से सेपरेट कर दिया है। ठीक है, इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट करेंगे डिक्शनरी को, तो डिक्शनरी को जब प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, और यदि इसमें हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कि इंडिविजुअल हमको मान लो सपोज क्लास को ही प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे पास किया डिक्स क्लास, ओनली क्लास पास कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा, ये क्या होगा, की है, की से ये एक्सेस हो जाएगा और इसका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको भी हम पाइथन प्रॉम्प्ट के ऊपर देखते हैं। डी एक वेरिएबल लेते हैं, उसको सबसे पहले मैं पास कर रहा हूँ दिस द एम्प्टी डिक्शनरी, मीन्स अभी इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं की, तो इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो ये एम्प्टी डिक्शनरी को पास कर देगा। फिर इसके बाद हम अगेन इसमें वैल्यू पास करेंगे किसके अंदर, डी के अंदर। ठीक है, डी को हमने लिया है डिक्शनरी, इसको कर्ली ब्रैकेट में पास करते हैं, सपोज मैंने की ले लिया है, की के अंदर वैल्यूज पास कर देता हूँ, इसमें मैंने पास कर दिया है जैसे 4 5 6, देन इसको कोमा से सेपरेट कर देते हैं। फिर मैं एक फिर एक वैल्यू पेयर एक ले लेता हूँ, इसमें मैंने पास कर दिया है 12, देन इसको मैंने सेपरेट कर दिया है, इसकी वैल्यू पास कर देते हैं सपोज, इसमें मैंने पास कर दिया है हम ए बी सी। ठीक है, इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे, तो इसकी वैल्यू को ये प्रिंट कर दिया। फिर अगेन हम इसकी जो वैल्यूज पास की थी उसको प्रिंट करके देखेंगे, जैसे मान लो कि सपोज मेरे को जो ए की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो इसको पास कर देते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, देन अगेन मैं यहाँ पे पास करता हूँ डिक्शनरी के अंदर, सपोज जो है 12 हमने पास किया था की, इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, तो ये इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको जो इसके की के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, जो की एलिमेंट पास किए हैं उसके थ्रू भी इसको हम एक्सेस करके डिस्प्ले कर सकते हैं। नन, दिस इज ए स्पेशल डेटा टाइप विथ ए सिंगल वैल्यू, इट इज़ यूज टू सिग्निफाई द अब्सेंस ऑफ वैल्यू ऑब्लिक कंडीशन रिलेटिंग टू फॉल्स इन ए सिचुएशन, इट रिप्रेजेंटेड बाय द नन। तो ये भी एक स्पेशल टाइप होता है, किस कौन सा, नन, इसमें हम क्या करते हैं सिंगल वैल्यू पास स्पेसिफाई करते हैं। अगर सपोज मान लो कि हमने किसी वेरिएबल के अंदर कुछ भी वैल्यू हमने पास नहीं की, वैल्यू या कंडीशन पास नहीं की, तो उस सिचुएशन में क्या होगी कि वो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, तो वो कौन सी होती है, नन होती है। ठीक है, तो देन पाइथन डज नॉट डिस्प्ले एनी थिंग वेन वी गिव ए कमांड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कंटेनिंग वैल्यू एज नन। ठीक है, तो अगर हम पाइथन की बात करें, पाइथन में अगर हमने किसी वेरिएबल्स के अंदर अगर नन पास किया है, तो उसकी वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करेगा। इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पास किया value 1, इसमें पास किया इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, 20 असाइन कर दिया, फिर value 2 लिया, इसमें हमने पास कर दिया नन। ठीक है, तो value 1 को जब प्रिंट करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आ गया, 20, लेकिन जब आप value 2 को प्रिंट करोगे तो ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो हमने क्या पास की है, नन पास की हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सपोज इसको हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट
अल्टरनेटिवली हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रिंट जो फंक्शन है या मेथड उसके साथ हम इसको प्रिंट अगर करते हैं इसको वैल्यू टू को, तो उस केस में क्या करेगा, इसकी जो जो वैल्यू टू है उसकी वैल्यू को ये जो हमने पास किया तो ये नन डिस्प्ले मतलब पास कर देगा, उसका आउटपुट दे देगा। तो इसको भी हम पाइथन प्रॉम्प्ट पे देखते हैं, यहाँ पे पास कर दिया हमने ए इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, और यहाँ पे पास कर दें बी, बी इज इक्वल्स टू पास कर देते हैं, बी इज इक्वल्स टू पास कर दिया है नन, ठीक है। फिर ए को प्रिंट करेंगे तो उसका आउटपुट आ गया 20, और सपोज बी को पास किया तो उसका आउटपुट डिस्प्ले नहीं कर रहा है, मीन्स ये इसको हमने इसमें नन पास किया इसलिए डिस्प्ले नहीं कर रहा। अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो तो इसकी वैल्यू हम जो है बी को हम पास करेंगे प्रिंट के साथ, तो उसमें नन डिस्प्ले कर देगा। नाउ नेक्स्ट है टाइप फंक्शन। इफ यू विश टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल, ए वेरिएबल अगर हम मान लो कि हमको क्या करना है कि किसी भी वेरिएबल का टाइप हमको पास करना है ना, या हमको उसको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू डज इट होल्ड एंड पॉइंट टू टाइप फंक्शन कैन बी यूज। तो इसमें क्या होगा, किस टाइप की ये वैल्यू को मतलब होल्ड कर रहा है और किस टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो उसके वो उसको बताएगा, कौन बताएगा, टाइप फंक्शन। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे पास किया हमने, पास कर दिया जो टाइप फंक्शन के साथ वैल्यू पास की है 10, ठीक है, तो ये दिस इज द इंटीजर वैल्यू, तो उसने क्या कर दिया इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। फिर यहाँ पे पास किया 8.2, तो उसने फ्लोट वैल्यू पास कर दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे टाइप 22/7 पास किया तो उसको फ्लोट बता दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सिंगल कोट में पास किया तो उसको स्ट्रिंग बता दिया, ठीक है। हमें यहाँ पे पास कर दिया -18.6 तो उसको फ्लोट बता दिया। फिर हमने यहाँ पे पास किया डबल कोट के अंदर हेलो पाइथन, तो उसको बता दिया स्ट्रिंग वैल्यू बता दिया। यहाँ पे हमने पास कर दिया ट्रू, तो इस ये क्या बताएगा, बुलियन वैल्यू बताएगा, ठीक है। फॉल्स पास कर दिया तो उस केस में ये बुलियन वैल्यू बताया, और यहाँ पे हमने कोई कंडीशन पास कर दी तो उसमें भी क्या बताया, बुलियन वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो इसको हम पाइथन प्रॉम्प्ट पे लीले टाइप फंक्शन, इसमें वैल्यू पास कर देते हैं, जैसे टू पास कर दिया हमने, ठीक है। टू क्या इंटीजर टाइप है तो ये इंटीजर डिस्प्ले कर देगा। फिर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पास करके देखते हैं, इसमें पास कर दिया हमने 4.5, ठीक है, तो ये फ्लोट कर देगा। अब कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करके देखते हैं इसके अंदर, जैसे स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दिया सिंगल कोट में तो ये स्ट्रिंग बताएगा, ठीक है। कोई डबल कोट वाली वैल्यू पास करके देखते हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग बता देगा, ठीक है। फिर हम कोई बुलियन वैल्यू पास करते हैं, जैसे इसमें पास कर दिया ट्रू, थोड़ा सा हमने इसको कैपिटल स्मॉल की मिस्टेक्स कर दी, तो उसको हम कर देते हैं कैपिटल टी, ठीक है। जैसे कलर चेंज हो गया, मीन्स हमने जो वैल्यू पास कर दिए तो यह क्या बुलियन टाइप आ गया, ठीक है। वैसे हम पास कर देंगे इसमें, सपोज कोई कंडीशन पास कर दी, थ्री इज ग्रेटर देन 4 कर दिया, ठीक है, 3 ग्रेटर देन 4, तो उस केस में भी क्या जाएगा, बुलियन आ जाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन पास की, ठीक है। अगर कोई इस तरह से हम क्या करते हैं, उसके जो जो भी टाइप है, ठीक है, जो भी वैल्यू आप पास करें उसके टाइप को ये टाइप फंक्शन के थ्रू हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल ऑब्लिक ऑब्जेक्ट, तो वेरिएबल्स प्रोवाइड ए मीन्स टू नेम वैल्यूज सो दैट दे कैन यूज टू एंड मैनिपुलेट लेटर, ठीक है। वे हम क्या कह सकते हैं, वेरिएबल्स को जब हम डिफाइन करते हैं, कोई नेम हमने क्या स्पेसिफाई कर दिया, साथ में हम उसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, उसको साथ में हम क्या कर सकते हैं, बाद में मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। टू बाइंड द वैल्यू टू ए वेरिएबल वी कैन यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अगर मान लो कि किसी वेरिएबल्स के अंदर हमको वैल्यू को बाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इज ऑल्सो टर्म एज ए बिल्डिंग ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है, तो उसको हम जो हम क्या कर सकते हैं कि इस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल के साथ कोई वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, हम बिल्ड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इज इक्वल्स टू यूज़ करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे हमने पास किया मैथ, मैथ्स इज इक्वल्स टू पास कर दिया 87, ठीक है। मैथ्स हमने इसको असाइन कर दिया, मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे नेम ऑफ वेरिएबल क्या हो गया, आपका मैथ्स हो गया, ठीक है। तो नेम ऑफ वेरिएबल पास कर दिया, और जो उसकी वैल्यू होगी, वैल्यू हमने कुछ मेमोरी अलोकेट कर दी है इस वैल्यूज को,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने असाइन किया 87, ठीक है, तो ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ वेरिएबल हो गई। तो जब उसको प्रिंट करेंगे प्रिंट मैथ्स, तो इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो इसको जो हम असाइन करने के लिए, जैसे अगर सपोज इसी एग्जाम्पल में अगर मैं इसको इस तरह से पास करता हूँ 87 इज इक्वल्स टू मैथ्स, तो उस केस में ये क्या करता है, एरर दे देता है, ठीक है। इसके लिए नेसेसरी है कि जब हम वैल्यू असाइन करते हैं तो वेरिएबल की जो वैल्यू वो किस साइड हो, जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो किस साइड हो, लेफ्ट हैंड साइड पे हो, और जो उसकी वैल्यू हो किस साइड हो, राइट हैंड साइड पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब जैसे यहाँ पे नंबर डिफाइन किया, नंबर इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया, और जो वैल्यूज है इसकी 100, ठीक है, वो किस साइड पे, राइट साइड पे, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, ए इज इक्वल टू पास कर दिया 10, मीन्स ए क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। तो उसको हम जब प्रिंट करेंगे तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब प्रिंट भी कर देगा। और अगर सपोज हमने पास किया 10 इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो उस केस में एरर देगा, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू है वो किस साइड आना चाहिए, राइट साइड आना चाहिए, जो वेरिएबल है वो किस साइड आना चाहिए, लेफ्ट राइट से आना चाहिए। तो ये क्या बताएगा, सिंटेक्स एरर आई कैन नॉट असाइन द लिटरल्स। नाउ मल्टीपल असाइनमेंट, इन पाइथन वी कैन डिक्लेयर द मल्टीपल वेरिएबल इन अ सिंगल स्टेटमेंट, इट इज यूज टू एनहेंस द रिलायबिलिटी रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, ओके। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ उसके एक ही स्टेटमेंट हमें मल्टीपल वैल्यूज को भी हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। इससे प्रोग्राम की क्या होती है, रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है या एनहेंस हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, इसको असाइन करने के लिए मल्टीपल असाइनमेंट को जो है हम दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। सबसे पहला है असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये मल्टीपल वेरिएबल्स ले लिए, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पास कर दिया एग्जाम्पल देखा, MSG, देन डे टाइम, यहाँ पे पास कर दिया मीटिंग, ठीक है। तो मीटिंग कहाँ पे किस में जाएगी, इस वाले में जाएगी। फिर उसके बाद हमने पास किया मंडे, ये डे में जाएगा। फिर 9 पास किया, वो किस में जाएगा, टाइम के अंदर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर अगेन पास किया एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। तो एक्स को, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, मतलब वो इसके साथ बाइंड हो रहा है। फिर दूसरा होता है असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है। तो अगर हम क्या करना चाह रहे हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो वो भी हम असाइन कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ पे पास किया टोटल मार्क्स इज इक्वल टू काउंट इज इक्वल टू 0, मीन्स जो टोटल मार्क्स और काउंट दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। इसको प्रॉम्प्ट पे देखते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू असाइन किया, जैसे सिंगल सिंगल वैल्यू असाइन कर दिया मल्टीपल उसमें, ठीक है। तो इसको हम इंडिविजुअल भी क्या करते हैं, ये असाइन हो, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, वाई की वैल्यू 40, जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 34.5, देन पी की वैल्यू क्या हो गई, विनय, ठीक है। तो उसको इस तरह से डिस्प्ले भी करेंगे। फिर इसको हमने पास किया एक्स प्लस वाई, उसका इसने एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू था उसका एडिशन कर दिया, एक्स माइनस वाई तो उसका सब्ट्रैक्शन कर दिया। फिर हमने सेम ए बी सी को हमने असाइन कर दिया -55, तो जब इसको डिस्प्ले करेंगे तो ये तीनों की जो वैल्यूज वो कितनी है, -55 है, तो उसको डिस्प्ले कर देगा। उसका एडिशन करेंगे तो वो कह रहा है -60, 165। तो हम इसको एक बार प्रॉम्प्ट पे भी देख लेते हैं, तीन वेरिएबल ले लेते हैं ए बी सी, इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 1.2.3, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, हम ए को प्रिंट करेंगे 1, बी को प्रिंट करते हैं तो आ गया 2, और 3 को प्रिंट कर दिया तो आ गया 3। मीन्स ये इस टाइप से इसकी वैल्यू भी हम प्रिंट कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि साथ में वैल्यू डिस्प्ले हो जाए तो भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। अब अगर एक और हम ले लेते हैं ए बी सी, इसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 10, ओके। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसलिए इसमें पास करना था ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो जब इसको प्रिंट करेंगे ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, मतलब तीनों वेरिएबल को हमने सेम वैल्यू दी। अगर आप इसको कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कैलकुलेशन भी कर लेगा ये, तो आ गया 30, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स को, और सेम वैल्यू भी मल्टीपल वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल नेम्स, देर आर सर्टेन रूल्स इन पाइथन विच हैव टू बी फॉलोड टू फ्रॉम वैलिड वेरिएबल्स नेम। कुछ इसमें सर्टेन रूल्स है पाइथन के अंदर जिसको कि वैलिड
वेरिएबल्स नेम को डिक्लेयर करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है। एनी वेरिएबल्स दैट वायलेट दिस रूल्स विल बी एन इनवैलिड वेरिएबल्स। अगर उस कोई भी वेरिएबल्स जो है इस रूल्स को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, या उसकी अवेलना करता है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स जो नीचे गिवन है। तो सबसे पहला रूल्स क्या है, ए वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट विथ ए अल्फाबेट्स लाइक कैपिटल और स्मॉल लेटर्स और एन अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। ठीक है, कोई भी हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, या तो अल्फाबेट्स होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे हमने आइडेंटिफायर को डिक्लेयर किया था, जैसे सपोज मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए, ए इज इक्वल्स टू 10, मीन्स ये क्या हो गया, ए क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया। ठीक है, अगर सपोज मेरे को कोई अंडरस्कोर के साथ में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना, अंडरस्कोर ए, ठीक है, तो इसको भी हम इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी नंबर वगैरह से स्टार्ट नहीं होता। तो सेकंड रूल है, ए वेरिएबल नेम कैन नॉट बी कंटेन द स्पेस। मतलब जो वेरिएबल नेम है, अगर जैसे हमने पास किया कोई वेरिएबल नेम ए और बी पास कर दिया, उसके बीच में ये क्या स्पेस है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो उसको आपको डिक्लेयर करने के लिए पास करना पड़ा ए अंडर स्कोर बी। ठीक है, तो उस केस में इसको अंडरस्टैंड कर लेगा। फिर ये हो गया, जैसे वेरिएबल नेम कंटेन एनी नंबर्स ऑफ लेटर्स डिजिट एंड अंडर स्कोर एंड नो अदर कैरेक्टर्स अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर अलाउड। ठीक है, दिस आर अलाउड। तो अगर मान लो जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करें, इसमें लेटर्स होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, अंडर स्कोर, उसके अलावा किसी भी कैरेक्टर को ये अलाउड नहीं करेगा। ठीक है, ए पाइथन कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। कोई पाइथन कीवर्ड भी इसके अंदर नहीं हो सकता है वेरिएबल नेम के अंदर। वेरिएबल नेम आर कैश सेंसिटिव, कैश सेंसिटिव होता है, इसलिए हमने अगर नेम और कैपिटल जो है, नेम हमने कैपिटल लेटर में स्पेसिफाई किया, दोनों दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यू शुड ऑलवेज चूज द नेम ऑफ योर वेरिएबल दैट गिवन एन आइडेंटिटी इंडिकेशन। यू शुड ऑलवेज चूज द नेम ऑफ योर वेरिएबल दैट गिवन एन इंडिकेशन ऑफ वट द की आर यूज फॉर। ठीक है, तो ये जो हम उसको हमको इस तरह का नेम स्पेसिफाई करना चाहिए, जिससे क्या हो कि हमको हम अंडरस्टैंड कर पाए, है ना, कि हमने उस वेरिएबल्स को जैसे क्यों चूज किया। जैसे मैंने कोई वेरिएबल्स ले लिया, मेरे को नेम पास करना, तो मैंने पास कर दिया नेम। ठीक है, उससे आइडेंटिफाई हो रहा है कि इसको हमने क्यों यूज़ किया है। ठीक है, वैसे यहाँ पे हमने लिया, कोई टेम्परेचर लिया है, टेम्परेचर को होल्ड कर रहा है, तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया। ठीक है, कोई कार की स्पीड को हमको लेना है, तो हमने क्या ले लिया, स्पीड वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसके वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसमें कुछ वैलिड इनवैलिड जो है, इसमें देख लेते हैं कुछ वैलिड वेरिएबल्स नेम। जैसे यहाँ पे पास किया यूनिट अंडर स्कोर पर अंडर स्कोर डे। ठीक है, यूनिट अंडर स्कोर पर अंडर स्कोर डे। फिर उसके बाद डे ऑफ वीक, देन स्टूडेंट ने स्टूडेंट स्टूड अंडर स्कोर नेम, देन फादर अंडर स्कोर नेम। फिर उसके बाद टोटल मार्क्स, एज, अमाउंट। ठीक है, ये क्या है, वैलिड कैरेक्टर, सॉरी वैलिड वेरिएबल्स हैं। अब इसमें देखते हैं इनवैलिड वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे पास किया नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें हैज़ पास कर दिया इसलिए इनवैलिड है, इसमें स्पेस है फर्स्ट नेम के बीच में इसलिए इनवैलिड है, फिर यहाँ पे डॉट पास कर दिया है तो ये इनवैलिड है, और ये क्या है, कीवर्ड यूज़ किया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड वेरिएबल हो जाएगा।